दूसरी बीवी के साथ रोमांस? पहली बीवी को लिफ्ट ही नहीं। जान से चाहती हूँ तो प्लीज हाथ छोड़ दे, मेरे ये जगत के क्या आप कर। जीत जी ने संभाल लिया, करा रहे थे गिर जाती। थैंक यू जीत जी। बहुत ही रूड है, शुक्रिया का जवाब तक नहीं दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि शहबाज बहुत रिजर्व है, उसके सामने मोहतात रहा करो। और ये किस हुलिये में कमरे से बाहर आई हो तुम? घर में जेठ है तुम्हारा, सुसर है, कोई अदब लिहाज है कि नहीं? मैंने ऐसी क्या बेअदबी कर दिया? नाइट सूट के ऊपर गाउन भी पहना है। नए तौर तरीके हैं वैसे आप लोगों के। तुम मेरी गाड़ी में क्यों बैठ रही हो? उतरो। सालन जाने, मुझे ड्रॉप करो। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, मेरी गाड़ी से उतरो। वो तो तुम मेरे बहुत कुछ, अब तुम मानो या ना मानो। फजूल बातें मत करो और मेरी गाड़ी से उतरो। तुम जानते हो मैं अपनी जिद की बहुत पक्की हूँ। मैं नहीं उतरूंगी और तुम ही मुझे ड्रॉप करोगे। जल्दी से चलो, इससे पहले कोई देख ले आओ। में आज भी उतने ही अच्छे लगते हो। शट अप। कितने बेवफा हो वैसे, इतनी जल्दी सारी कसमें सारे वादे भूल गए। अपनी बकवास बंद करो वरना गाड़ी से धक्के मार के बाहर फेंक दूंगा। फेंक दो, मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी कि तुम्हारे हाथों मौत आएगी। शर्मानी चाहिए तुम, मेरे भाई की बीवी हो, मेरी भाभी हो तुम, लेकिन फिर भी ऐसी बातें करती हो मुझसे। शादी तो सिर्फ एक बहाना है तुम्हारे करीब रहने का। तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। शर्म की बात कर रहा हूँ मैं तुमसे, कितना बेवकूफ, जबकि जानता हूँ कि तुम्हें तो शुरू से ही जान गई। जब तुम मेरे साथ थी तब भी 10-100 लोगों से ताल्लुक थे तुम्हारे। दोस्ती में क्या हर्ज है? जब महीनों महीनों गायब रहोगे तो अपना वक्त किसी तरह तो गुजारूंगी ना। खैर तुम्हारी फजूल बातें हो गई, मेरी एक बात कान खोल के सुनो। आज के बाद मुझसे किसी किस्म की फजूल बात मत करना। मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई की बीवी हो, लेकिन अगर फारिया तुमने उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया जान से मार दूंगा।